हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी चैनल। मैं हूँ साधना देवी चौहान और हम इंग्लिश का जो इम्पॉर्टेंट एरर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आने वाले कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बेल आइकन होगा, आप उसको अगर क्लिक कर देंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एंड ठीक है, लेट्स प्रोसीड। तो पिछले पार्ट में जितना भी हो गया था उससे आगे है ये। नो इज ऑलवेज फॉलोड बाय हाउ टू। ठीक है, जब भी हम नो का यूज करते हैं किसी सेंटेंस में तो उसके साथ में लगेगा हाउ टू। एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो टू प्ले गिटार। आई नो टू प्ले गिटार, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका करेक्ट फॉर्म होगा आई नो हाउ टू प्ले गिटार, ये इसका बिल्कुल करेक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल कि उसमें क्या कहता है भाई। अलग अलग अगर नंबर्स हैं, अलग अलग अगर नंबर्स हैं, अलग अलग वर्ब हैं, तो उनके हिसाब से अलग अलग वर्ब लगेगा। जैसे कि थ्री किल्ड एंड वन वर इंजर्ड। थ्री किल्ड एंड वन वर इंजर्ड, ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, थ्री वर किल्ड एंड वन वॉज इंजर्ड। वन तो एक है ना, तो उसके लिए सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, इसीलिए वन वॉज इंजर्ड। अब ये सेंटेंस सही है। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं अब। हमने बहुत सारे रूल्स कर लिए हैं तो अब हम बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस के हिसाब से रूल्स हम बैक टू बैक क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को पॉज करके एक बारी खुद अटेम्प्ट करके देखिए और उसके बाद में आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर 14। ठीक है, तो इसमें किस पार्ट में एरर है ये आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। नेक्स्ट है, 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड एंड वन फेल्ड। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर के बाद आना चाहिए इज। इसके लिए एक सेपरेट वर्ब होना चाहिए। तो आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर इज 14। ठीक है, अच्छा आपको वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब के बीच का डिफरेंस जरा कमेंट करना कि क्या होते हैं वर्ब एंड ऑक्सिलियरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब जिनको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि ही नेवर हैज के बाद भी एक वर्ब लगेगा। ही नेवर हैज टेकन एंड विल नेवर टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। अब ये सेंटेंस सही है, इस पार्ट में गलती थी। ठीक है, दिस पोर्शन वॉज रॉन्ग। लास्ट जो है, 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड, ठीक है यहां तक तो ठीक है, एंड वन फेल्ड, ये यहां पर क्या होगा, इसके लिए भी एक वर्ब चाहिए है ना, वन हैज फेल्ड। 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड एंड वन हैज फेल्ड, ये ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम जापान टू लिव हियर परमानेंटली। ठीक है, तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, तो इसमें है एरर इस पार्ट में, यहाँ पर एरर है, क्योंकि जो मैनी अ होता है, मैनी अ के बाद कभी भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, तो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर हैज आना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको मतलब मैंने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं और फिर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं समझ कर, एंड इफ यू वांट कि मैं आर्टिकल्स का या फिर कंजंक्शन या फिर प्रेपोजिशंस की वीडियोस अलग से बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में आपको अगर सेपरेट कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें बना दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल।
headmaster has instructed the teacher to follow the rules of the school. तो आप इसको try कीजिए कि क्या होगा इसमें error कहाँ पर होगा. इसमें है कि जो है first part जो है headmaster, तो headmaster एक post है ना. headmaster क्या है एक एक उनका क्या है एक post है. तो इसीलिए यहाँ पर article the आना चाहिए. इस part में error था. अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है. ठीक है next question हम आते हैं. It is high time we renovate our old house. It is high time का मतलब होता है कि बहुत दिन हो गए. ठीक है बहुत time हो गया. तो उसमें क्या लिखा है बहुत time हो गया. We renovate our old house. तो always it is high time जो होता है वो हमेशा second form of verb को follow करता है. तो it is high time we renovated होना चाहिए. ये जो लिखा हुआ है ये होना चाहिए renovated मतलब नया करना. renovation मतलब नया करना. तो बोलता है कि भाई बहुत दिन बहुत time हो गया हमने अपने पुराने मकान को क्या नहीं किया है नया नहीं किया है. तो उसको क्या कर देते हैं नया कर देते हैं. ठीक है next question है. It is high time that you go home. तो it is high time that you go home का मतलब क्या है. That means भैया बहुत time हो गया है कि तुम्हें घर गए हुए. Sorry for the interruption पीछे थोड़ा सा noise हो रहा है. तो क्या होता है कि it is high time that you go home. तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें होगा it is high time that you went home हो जाएगा. क्योंकि ये क्या है second form of verb आना चाहिए. जैसे कि मैंने कहा था it is high time always followed by second form of verb. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड हैंड फर्नीचर्स वर पुट टू ऑक्शन. ये बहुत सारे लोगों को आपको ये पता होगा कि यहाँ पर कैसे जो है एरर ठीक हो सकता है ना. क्योंकि हमने सिंगुलर और प्लूरल मैंने बताया है आप लोगों को नाउन में. तो क्या होगा इसमें कि जो फर्नीचर्स है ऐसा कोई वर्ड होता नहीं कभी. तो ये होता है ये ऑलवेज ये सिर्फ फर्नीचर ही होता है. तो एस नहीं आना चाहिए. तो क्या होगा सेकेंड हैंड फर्नीचर वर पुट टू ऑक्शन. मतलब फर्नीचर का सिंगुलर और प्लूरल दोनों जो होता है फर्नीचर ही होता है ना. तो ऑक्शन में लगाया गया भाई उसको क्या किया गया नीलामी के लिए उसको ऑक्शन में लगाया गया है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन. तो इसका इसमें कहाँ पर गलती है इसमें गलती है वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज. पता चला कहाँ पे है मिस्टेक. इसमें मिस्टेक है कि जब वन से शुरू हुआ है तो जो है वंस ओन आना चाहिए ना कि हिज ओन. मतलब ये जो पार्ट है ना ये इसके हिसाब से लगेगा. वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर As much as one's own. ठीक है अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन. अ इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर ड्यूमस. तो इसमें कहाँ पर गलती है यू मस्ट बी नोइंग. आपको पता होगा इसमें गलती कहाँ पर है. इसमें गलती है फर्स्ट पार्ट में. ये यहाँ पर आना चाहिए था एन है ना. An interesting book आना चाहिए था. क्योंकि interesting जो है एक vowel का sound बनाता है. MLA के सामने में भी an आना चाहिए क्योंकि ये MLA है. मतलब sibilant voice कहते हैं. sibilant का मतलब होता है CT की आवाज़. ठीक है CT की आवाज़ आने जिसके सामने CT की आवाज़ आ रही जिसको बोलने पे उसको हम सिबिलेंट कहते हैं. और उसके सामने लगता है वॉवेल्स ए ई आई ओ यू. ठीक है सिर्फ स्पेलिंग की ही बात नहीं है साउंड की बात है. इसीलिए हम एमएलए के सामने एन लगाते हैं एमपी के सामने एन लगाते हैं. ओके फाइन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. एक रूल है कि जब भी
किसी एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जाता है ना, दोनों में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, तो जो कंपैरेटिव फॉर्म है ER वाला कंपैरेटिव फॉर्म होता है, जैसा कि आपको पता है वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, है ना, तो जो ER वाला फॉर्म होता है वो यूज ना हो करके यूज होता है मोर, ठीक है, मोर यूज होता है. तो इसके क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ही इज वाइजर दैन ब्रेव, मतलब वाइज और ब्रेव ये दोनों एक ही व्यक्ति की क्वालिटीज को दिखा रहा है. तो एक ही व्यक्ति क्या है, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, ईमानदार ज्यादा है किससे, किस कंपैरिजन में, बहादुरी के कंपैरिजन, बहादुर कम है लेकिन ईमानदार ज्यादा है. तो उसका करेक्ट फॉर्म ये नहीं होगा कि ही इज वाइजर दैन ब्रेव, इसका करेक्ट फॉर्म होगा ही इज मोर वाइज दैन ब्रेव, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, मोर यूज किया जाएगा. ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हिज पेरेंट्स डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस, ये हमने किया हुआ है. कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, प्लूरल लगेगा, सिंगुलर लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है, तो हिज पेरेंट्स यहां पर क्या है, हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स है प्लूरल, और डज किसके साथ लगता है, डज लगता है सिंगुलर के साथ, तो ऑब्वियसली ये सीधा सीधा पता चल गया कि यहां पर डज के बजाय क्या आना चाहिए, डू आना चाहिए. हिज पेरेंट्स डू नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस. आप देखिए, आप अपने आप इसको पॉज करके आप अपने आप एक बार अटेम्प्ट करके इसको दोबारा से चला सकते हैं, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है, इसको पॉज करने से आप, है ना, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विद द लेटेस्ट जर्नल्स. तो इसमें कहाँ पर गलती है, इसमें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नो एरर, इजंट इट, ऐसा लग रहा है कोई गलती नहीं है, बट ऐसा नहीं है, गलती तो है, लेकिन गलती क्या है ये देखते हैं. हम देखते हैं कि द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद, गलती है इसी पार्ट में, इस पार्ट में गलती है, गलती ये है कि कभी भी Not only के साथ में आना चाहिए with. तो ये होगा कैसे कि the college library is equipped with not only. ये जो not only और with है ये साथ में आना चाहिए पहली चीज, और दूसरी चीज ये आना चाहिए equipped के बाद, ठीक है, equipped के बाद आना चाहिए. तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा the college library is equipped not only with वेरी गुड बुक्स, विद यहां पर आएगा, ठीक है, नॉट ओनली विद वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विद द लेटेस्ट जर्नल्स, जर्नल्स, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेन आर वॉन्टेड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स. तो मेन यहां पर प्लूरल फॉर्म है, आर लगा है, ठीक है, वॉन्टेड, ओके, ठीक है, पास्ट टेंस में है. नो, इट इज़ नॉट पास्ट टेंस, एक्चुअली इट इज़ पैसिव फॉर्म है सेंटेंस का, क्योंकि आर के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है, तो ये पैसिव फॉर्म है. मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको जिस भी टॉपिक को लेकर के डाउट है वो आप कमेंट करेंगे तो मैं आगे वीडियो बना दूंगी कि एक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म, इस तरह से. तो मेन आर वॉन्टेड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स, इसमें गलती कहाँ पर है, आप ट्राई कीजिए. इसमें गलती है मेन आर वॉन्टेड फॉर द आर्मी के बाद एंड, यहां पर एंड नहीं आना चाहिए था, कॉमा आना चाहिए था, सिंपल यहां पर कॉमा आ जाएगा, एंड नहीं आना चाहिए था. फॉर द आर्मी कॉमा द नेवी एंड द एयरफोर्स, ये बिल्कुल सही है, दो दो बार एंड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर स्लैश मोर ब्यूटीफुल देन हर, अब यहां पर क्या गलती है, ठीक है, ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव फॉर्म तो मोर ब्यूटीफुल होता है और सुपरलेटिव फॉर्म होता है मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहां पर क्या गलती हो सकती है, यहां पर गलती ये है कि यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर नहीं आना चाहिए था, हर नहीं आना चाहिए था, ये नाउन का, ये नाउन का कौन सा फॉर्म है, ये नाउन का पजेसिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, दिस इज ऑब्जेक्टिव फॉर्म. मैं फिर से बोल रही हूँ, आप मेरे नाउन वाली वीडियोज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है. जबकि जब भी हम कंपेयर करते हैं, जब भी हम कंपेरिजन करते हैं दो लोगों के बीच में, तो उनका जो पर्सन का जो फॉर्म है वो सेम होना चाहिए. तो यहाँ पर यू क्या है, नॉमिनेटिव केस है ना, नॉमिनेटिव फॉर्म है, तो यहाँ पर हर की जगह आना चाहिए शी,
ठीक है, यू आर मोर ब्यूटिफुल दैन शी, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है और गलत सा लग रहा है, बाकी यही तो बात है, हम यही गलती करके आते हैं एग्जाम हॉल में, तो इसीलिए हम पढ़ भी रहे हैं. सो यू आर मोर ब्यूटिफुल दैन शी, ये करेक्ट फॉर्म है, दिस इज नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरी थिंग, ही ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरी थिंग, तो इसमें कहां पर गलती है, इसमें गलती ये है कि यहां पर यूज होना चाहिए था दैट बिलीव, बिलीव यूज होना चाहिए था यहां पर, एंड बिलीव्स होना चाहिए था, बिलीव्स, बिलीव्स इसीलिए क्योंकि ही है, और ट्रस्ट, ट्रस्ट देखिए, ट्रस्ट और बिलीव में मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि बिलीफ जो होता है ना, बिलीफ वो एक श्रद्धा होती है, वो आप गॉड पे बिलीव कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई प्रूव नहीं देने वाला, आप भगवान से सवाल भी नहीं कर सकते किसी चीज़ को लेकर के, और अगर कोई कुछ बोले तो आपके पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि भगवान कहाँ है, वो दिखते नहीं हैं, बट यू बिलीव इन गॉड, ठीक है. वेदर ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, और ट्रस्ट ऐसे ही नहीं हो जाता है ना, उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया होगा, भाई किसी का ट्रस्ट जीतने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, बहुत कुछ प्रूव करना पड़ता है कि ठीक है मैंने वहाँ पर क्या किया था कि अपनी तिजोरी की चाबियाँ छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी उस बंदे ने तिजोरी में से क्या है पैसे नहीं निकाले, तो उसने क्या किया, ट्रस्ट जीत लिया. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट एंड बिलीव. तो आप अपनी क्षमताओं पर भी ट्रस्ट करते हैं जबकि आप भगवान पर बिलीव करते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस था दोनों शब्दों में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मोकिंग इज अनडाउटेडली वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ, था यहाँ पर फॉर हेल्थ, तो फॉर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए टू, ठीक है, इंजूरियस हमेशा फॉलोड बाय टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री, तो आप इसको पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए कि क्या आएगा. तो इसमें जो है एरर है इस पोर्शन में, वन ऑफ द बेस्ट, तो वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर तो एक ही हो गया ना, फिर तो अनु ही हो गई बेस्ट टेनिस प्लेयर, तो दैट्स वाई क्या होगा, माई फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स, ऐसा आना चाहिए यहाँ पर, इन द कंट्री, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स इन द कंट्री. वन ऑफ द के बाद वैसे तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है क्योंकि मेन सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, लेकिन ऑफ द के बाद जो है वो प्लूरल फॉर्म लगेगा नाउन का, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ऑफ कोर्स इसी पार्ट में एरर है, जैसे कि आपको पता है कैटल्स नहीं होता कभी भी, कैटल ही होता है और वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड वर्ब को ही लेता है, तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स नहीं आएगा यहाँ पर, ये बिल्कुल ऐसे माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें जो है एग्जाम्स में दे दिए जाते हैं और फिर उनको हमें ऑट आउट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, छाटना पड़ता है, तब जाके हमें मार्क्स मिलते हैं, ठीक है. तो इस तरह से आपको बारीकी से पढ़ना होगा कि आखिर में गलती कहाँ पर है. When I was passing through the forest, I happened to see a number of deers. ठीक है, a number of deers. तो इसमें कहाँ पर गलती है, इसमें ऑब्वियसली यहाँ पर गलती है, मैंने करवाया है नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल में, तो डियर्स की जगह क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा, क्योंकि डियर सिंगुलर भी सेम होता है और प्लूरल भी डियर ही होता है. नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मैंने करवाया है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ में आप बाई नहीं यूज कर सकते. ओके, ये प्रेपोजिशन है इसका, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि मैं प्रेपोजिशंस का अलग से करवा दूं, कि यू कैन ओपन द बॉक्स बाई नहीं लगेगा यहाँ पर, किसी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जा रहा है तो यहाँ पर लगेगा विद लगेगा यहाँ पे, कि यू कैन ओपन द बॉक्स विद अ स्क्रू ड्राइवर, यू कट वेजिटेबल्स विद नाइफ. ठीक है, इस तरह से. नेक्स्ट हम देखते हैं, देर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो आर वे. इसमें कहाँ पर है मिस्टेक, इसमें मिस्टेक है बी पोर्शन में, क्योंकि जब कुछ जो है किसी दो व्यक्तियों के बीच में ऑब्जेक्टिव केस को देखा जाना चाहिए, अगर दो व्यक्तियों के बीच में कुछ किसी चीज़ का ऑब्जेक्टिव केस लिया गया है, जैसे कि आई जो है उसको मी लिखा जाना चाहिए, ठीक है, मतलब दो व्यक्तियों के बीच
अगर किसी चीज का ऑब्जेक्टिव केस यूज ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में यूज किया जा रहा है तो क्या लेना चाहिए, वहां पर ऑब्जेक्टिव केस लेना चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव केस को समझने के लिए आपको नाउंस का प्रोनाउंस का जो पार्ट है उसको वो स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव। तो देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो तुम्हारे और मेरे बीच होगा ना, तुम्हारे और मैं बीच तो नहीं हो सकता। आई का मतलब मैं होता है जबकि मी का मतलब मेरा है ना, मेरा मुझको ऐसा होता है। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी, मी डालने पे ये सही हो गया। सो वी आर फ्री टू गो आर वे। ओके नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ही इज गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। इसमें क्या है, इसमें कहाँ पर गलती है, इसमें अगेन यहाँ पर प्रेपोजिशन की गलती है। इसमें जो सेकंड पार्ट है वो गलत है कि गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ठीक है, गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ लगेगा ना कि फॉर। ओके तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, मैं आगे और एडअप करूंगी। अगर आप कमेंट करते हैं कि येस यू लाइक इट एंड यू वॉन्ट मोर क्वेश्चंस तो मैं आगे और क्वेश्चंस करूंगी, और कुछ कुछ जैसे मुझे एंड में याद आता जाता है तो मैं बताते जाऊंगी। जैसे मुझे दो वर्ड्स अभी ट्रस्ट और बिलीव याद आया था, उसी तरह से ये दो वर्ड्स हैं जो हम यूं ही यूज कर देते हैं, नेग्लेक्ट एंड नेग्लेक्ट, ठीक है, नेग्लेक्ट एंड इग्नोर। ये जो दो वर्ड्स हैं इनको हम यूज कर देते हैं इधर उधर चेंज करके, लेकिन इन दोनों के मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नेग्लेक्ट का मतलब ये होता है कि जो है नेग्लेक्ट जो काम है वो ऐसा काम है जिसको करना मतलब ज़रूरी है भाई। इसमें आप क्या करते हो, आपको लैक ऑफ इंटरेस्ट है, कंसर्न है, मतलब आपको क्या है, चिंता नहीं है किसी चीज़ की, तो आप क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। इनको क्या करना चाहिए कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करने से कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा, बट फिर भी कुछ हद तक लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से या कंसर्न या सिंपथी की वजह से आप क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। ये ऐसे काम होते हैं जिनको आपको करना चाहिए लेकिन आप नहीं करते हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो। लेकिन इग्नोर क्या होता है कि ये जो इग्नोर होता है ना, ये अनादर काम है, अनादर पूर्वक काम जो आप करते हैं, दैट इज इग्नोर करना, किसी को आप अनादर कर रहे हैं उनका तो आप इग्नोर करते हैं। तो नेग्लेक्ट और इग्नोर इस तरह से आप इंटरचेंज करके यूज नहीं कर सकते, दोनों के बीच में मैंने ये डिफरेंस बता दिया है, ठीक है। ओके ओके गाइज, इफ दिस इज इट, ये एक लेसन यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने कर दिया है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, एंड प्लीज 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 कमेंट कि कैसा लगा आपको और मैं क्या चेंजेस लेकर के आऊँ, आगे कौन सी वीडियोस बनाऊँ, किस टॉपिक पर बनाऊँ, इंग्लिश पे, वो आप प्लीज मुझे कमेंट करें एंड प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।